हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है ब्रोकन। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक किलर के ऊपर है जो कि लोगों को ट्रैप करके बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन्हें किल करता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस मूवी की पूरी स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी से उठाई गई है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है जेकब की लिखी हुई लाइन से, और उस लाइन में ऐसा लिखा हुआ था कि एक गुलाम लड़की हमेशा डर के माहौल में जिंदा रहती है। फिर मूवी में भी ये बताया जाता है कि इस मूवी की पूरी स्टोरी रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। मूवी का पहला सीन शुरू होता है करन नाम की एक लड़की से, जिसे एक वुडन बॉक्स में लॉक करके रखा गया था। करन को बहुत सी चोट आई थी और बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाती है। फिर कई कोशिश करने के बाद में करन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तभी एक किलर उसके पास में आकर गन से उसका सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, और उसके बाद में किलर करन की बॉडी को घसीटकर एक दूसरी जगह पर ले जाता है। फिर कुछ देर के बाद में करन की जब आंखें खुलती है तो एक फांसी के ट्रैप में फंसी हुई थी। उसके पेट पर कई सारे टाके लगे हुए थे, और करन को उन टाकों को खोलकर पेट के अंदर से एक ब्लेड निकालकर अपनी फांसी के फंदे को खोलना होगा, तभी करन वहां से आजाद हो सकती थी, और ये उस किलर का एक ट्रैप था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद करन अपने पेट के टाके को खोलकर उसमें से ब्लेड को निकालती है, और वो अपनी फांसी के फंदे को काटती है। फांसी के फंदे को काटते ही करन उस ट्रैप से जमीन पर गिर जाती है, लेकिन पेट के टांके को खुलने की वजह से उसके पेट की सारी आंतड़ियां बाहर आ गई थी, जिससे कि उसे बहुत ही दर्द होता है। फिर किलर उसके पास में आता है और उसे दो ऑप्शन देता है कि या तो वो उसके गुलाम बनकर रहे, या फिर वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करे। करन इतना दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए वो किलर के गन से खुद को शूट करके अपनी जान ले लेती है। सीन कट होता है और अब कहानी शुरू होती है 2 हफ्तों के बाद से, जहाँ पर हम होप नाम की एक लेडी को देखते हैं। होप की एक 6 साल की छोटी सी बेटी थी जिसका नाम जेनिफर था, और होप बहुत सालों से सिंगल मदर थी, लेकिन अब वो एक रिलेशनशिप में आना चाहती थी ताकि उसकी बेटी को भी एक फादर मिले। तो इसीलिए वो रोम नाम के एक लड़के से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाती है। दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, और दोनों अपनी अपनी फैमिली और अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। इन शॉर्ट, दोनों की डेट बहुत ही अच्छी जा रही थी। अब रात को होप घर आती है, जहाँ पर उसके दोस्त सारा उसकी बेटी जेनिफर की बेबी सीटिंग कर रही थी। सारा होप को उसके डेट के बारे में पूछती है, जहाँ पर होप उसे बताती है कि उसकी डेट बहुत ही अच्छी गई। होप रोप के साथ में रिलेशन को कंटिन्यू करने का सोच रही थी, और उसके बाद में सारा अपने घर पर चली जाती है। फिर होप अपनी बेटी के रूम में जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी जेनिफर अपने सॉफ्टवेयर को लेकर सो रही थी। होप कुछ देर तक जेनिफर के साथ में बैठी रहती है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। लेकिन अगले सीन में हम होप को करन की ही तरह उसी वुडन बॉक्स के अंदर लॉक्ड देखते हैं। होप को अपने पेट पर भी बहुत ही दर्द हो रहा था, और वो लात मारकर और अपने हाथों से उस बॉक्स का डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉक्स उससे नहीं खुल पाता है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं, और 2 दिन के बाद में वो किलर उस बॉक्स को गड्ढे से बाहर निकालता है, और वो किलर उस बॉक्स का डोर खोलकर वहां से चला जाता है। होप बॉक्स से बाहर निकलकर अपने पेट को देखती है, जहाँ पर कई सारे टाके लगे हुए थे। उसे अब अपनी बेटी जेनिफर की भी फिक्र हो रही थी, और पास में उसे जेनिफर का वही सॉफ्टवेयर दिखाई देता है। उस समय वही किलर वहां पर आता है और गन से होप के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। होप की जब आंखें खुलती है तो करन की तरह वैसे ही एक ट्रैप में फंसी हुई थी, और उसके सामने उसकी फ्रेंड सारा की डेड बॉडी लटकी हुई थी। सारा के पेट के सभी आंतड़ियां जमीन पर गिरी हुई थी, और उन आंतड़ियों के साथ एक ब्लेड भी था, मतलब कि सारा ने ब्लेड निकालने के लिए अपने टाके खोल लिए थे, लेकिन वो दर्द की वजह से जिंदा नहीं बच पाई थी। अब थर्ड डे किलर होप के पास में आता है और उसे एक शार्प लकड़ी देता है अपने टाके खोलने के लिए। अब वो टाकों को खोलकर अपने पेट के अंदर से ब्लेड निकालकर अपने फांसी के फंदे को खोलकर ही होप इस ट्रैप से जिंदा बच सकती थी। होप ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सारा की डेड बॉडी की हालत देखकर वो मजबूरी में अपने पेट के टाकों को काटने लगती है, और उससे ऐसा करने में बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी होप किसी तरह अपने टाकों को खोल लेती है। फिर इसके बाद में होप अपने पेट के अंदर हाथ डालकर ब्लेड को निकाल लेती है, और टाके खुलने की वजह से उसके पेट की आंतड़ियां बाहर आ रही थी। अब एक हाथ से वो पेट को पकड़ रही थी, और दूसरे हाथ से वो ब्लेड को लेकर फांसी के फंदे को खोलती है। फंदा जब कट जाता है तो होप जमीन पर गिर जाती है। तभी किलर उसके पास में आता है, और किलर होप के पेट पर फिर से टाके लगाता है, साथ ही वो उसके जख्मों पर बैंडेज भी लगाता है। अब दर्द के कारण होप बेहोश हो चुकी थी। फिर वही पास में हम बहुत सारे ह्यूमन स्कल को भी देखते हैं, जिसे देख कर समझ आ रहा था कि किलर के हाथों बहुत सी लड़कियां ठीक इसी तरह मारी जा चुकी है। अब किलर होप के कपड़ों को धोता है, उन्हें साफ करता है, और उसे अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है। जंगल के अंदर किलर ने अपना एक छोटा सा कैंप जैसा बनाया हुआ था, जहाँ पर वो रहता था।
और जो भी लड़की उसके पहले ट्रैप को पार कर लेती थी वो लड़की भी वहां पर उसके साथ में रहती थी। फोर्थ डे को होप को जब होश आता है तो किलर उसके सामने बैठा हुआ था और अब होप के जख्म भी ठीक हो चुके थे, लेकिन किलर ने होप को एक चेन से बांध कर रखा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद में किलर होप को पानी और खाना देता है। होप बहुत दिनों से भूखी थी तो इसलिए वो जल्दी जल्दी उस खाने को खा लेती है। खाना खाने के बाद में होप अपनी बेटी जेनिफर के बारे में किलर से पूछती है। किलर उसे बताता है कि होप का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अब वही उसकी फैमिली है। होप बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछे जा रही थी तो इसलिए गुस्से में किलर उसे थप्पड़ मारता है और उसे वहीं पर छोड़कर अपने टेंट में सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन यानी कि फिफ्थ डे को किलर होप को कुछ बर्तन साफ करने को बोलकर शिकार करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर किलर एक चाकू को भूल गया था। किलर के जाने के बाद में होप अपनी चेन के लॉक को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो लॉक नहीं खुल पाता है। तभी उसे वो चाकू नजर आता है और होप उस चाकू को उठाने जाती है लेकिन चेन से बंधा होने के कारण वो चाकू तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब वो एक लकड़ी की हेल्प से उस चाकू को अपने पास में खींचती है। किलर भी शिकार करके वापस आ चुका था तो इसलिए होप फिर से अपनी उसी जगह पर बैठ जाती है और चाकू को अपने पास में छुपा लेती है। किलर वहां पर आता है और बर्तनों को साफ देखकर वो होप से बहुत ही खुश था तो इसलिए वो होप को एक छोटा सा फ्रूट देता है। अब किलर के पीछे मुड़ते ही होप उसके ऊपर हमला करने वाली थी लेकिन किलर से वो लड़ नहीं पाती है और किलर उसे थप्पड़ मारकर चाकू छीन लेता है। अब असल में ये सब किलर का एक ट्रैप था, वो होप की लॉयल्टी को चेक करना चाहता था तो इसलिए किलर ने जानबूझकर चाकू को वहां पर छोड़ दिया था। किलर होप को धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके घुटनों के नर्व्स को काट देगा और उसके बाद में होप भागना तो क्या चल भी नहीं पाएगी। अब किलर होप के पैर में से चेन निकालकर उसके गले में चेन को लॉक कर देता है और उस लॉक की चाबी अब हमेशा किलर के पास रहने वाली थी। अब सिक्स्थ डे को किलर होप को गार्डनिंग टिप्स की एक बुक देता है और वो उसे अपना वेजिटेबल गार्डन दिखाता है और अब होप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस गार्डन को संभालने की। अगर उस गार्डन का एक भी प्लांट मारा गया तो किलर उसे मारने की धमकी देता है। वो डर की वजह से होप किलर की सभी बातें मान रही थी और वो गार्डन का भी ध्यान रख रही थी। फिर रात को होप किलर से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है, आखिर किलर ने उसे वहाँ पर क्यों कैद करके रखा हुआ है, लेकिन किलर होप की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब आधी रात को होप जब गहरी नींद में थी तो किलर उसके पास ही बैठकर उसकी बॉडी को देख रहा था और होप को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किलर होप के साथ में इंटीमेट होना चाहता था, वो भी बिना उसके परमिशन के। अब अगले दिन होप जब गार्डन का काम कर रही थी तो उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर दिखाई देता है जिसे देखकर होप को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब किलर को वो फ्लावर दिखता है तो वो फ्लावर को तोड़कर फेंक देता है। किलर नहीं चाहता था कि होप उसके अलावा किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज को लेकर अपना प्यार दिखाए। उसके बाद में किलर होप को नहलाने के लिए एक लेक के पास में लेकर जाता है और होप जब उसके कपड़े उतार कर नहा रही थी तो किलर उसे ही देखे जा रहा था, जिससे कि होप को भी समझ में आ गया था कि किलर को ऐसे अपने जाल में फंसाना है। तो इसलिए लेक से वापस कैंप में आने के बाद में होप किलर से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी और उसे सेड्यूस भी कर रही थी। किलर भी उसके जाल में फंस जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले सुबह किलर जब सो रहा था तो होप अपने लॉक की चाबी को ढूंढ रही थी और किलर के जागने से पहले ही होप को चाबी मिल जाती है। वो अपना लॉक खोल लेती है और चाकू लेकर किलर को मारने का सोचती है, नहीं तो किलर उसका पीछा करता रहेगा, पर वो किलर को मार नहीं पाती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर भी किलर उसका पीछा ना करे तो इसीलिए वो किलर के घुटनों के पीछे कट लगा देती है और वहां से भागने लगती है। अब भागते भागते होप एक वुडन बॉक्स तक आ गई थी। उसे ऐसा लगा था कि वहां पर उसकी बेटी जेनिफर बंधी होगी लेकिन वो बॉक्स खाली था, पर उसे वहां पर जेनिफर के थोड़े से बाल और स्वेटर मिलती है। जेनिफर की सभी चीजें देखकर वो रोए जा रही थी कि तभी वहां पर किलर आ जाता है। किलर एक लकड़ी से होप के सर पर वार करता है और फिर उसके पैर को बहुत ही भुटले तरीके से तोड़ देता है जिससे कि उसके पैर की हड्डी बाहर आ गई थी। अब किलर का तो पता नहीं लेकिन होप किलर से बचकर भागने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। वो दर्द की वजह से वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। फिर उसके बाद किलर होप को घसीटकर अपने कैंप में लेकर आता है और वहां पर उसे चेन से लॉक कर देता है और अब किलर होप की कोई भी देखभाल नहीं कर रहा था। वो उसे दर्द में तड़पने देता है। दर्द की वजह से होप को पैनिक अटैक भी आ रहे थे लेकिन किलर अपने जख्मों पर टाके लगाने में बिजी था, वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब ऐसे ही 9 दिन बीत जाते हैं। किलर अपने शिकार पर जाने के लिए रेडी होता है। होप दर्द को सही नहीं कर पा रही थी तो इसलिए वो किलर को बोलती है कि वो उसे मार डाले, लेकिन किलर उसे नहीं मारता है। वो होप को और तड़पता हुआ देखना चाहता था। किलर के जाने के बाद में होप अपनी बेटी को याद करती है और उसे रियलाइज होता है कि जेनिफर को बचाने के लिए उसे जीना पड़ेगा, तो इसलिए वो हिम्मत करके पहले तो अपने टूटे हुए पैर की हड्डी को सीधा करती है और उसके बाद में वहां पर एक लकड़ी को बिल्कुल प्लास्टर की तरफ बांध लेती है। अब इन सब काम में उससे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो अपनी बेटी को याद करके सारे दर्द को सहन कर रही थी। उस दिन किलर वापस नहीं आता है
तो इसलिए होप आग जलाकर और कुछ फ्लावर को खाकर वो दिन गुजारती है। अब अगले दिन जब होप की आंखें खुलती है तो किलर उसके पास में था जो उसके पैर को देख रहा था। साथ ही वो ये देखती है कि किलर मिया नाम की एक नई लड़की को लेकर आया है जो कि एक स्कूल की टीनेजर गर्ल थी। मिया ने भी पहले ट्रिप को सर्वाइव कर लिया था और अब किलर उसको अपना गुलाम बनाने के लिए उसके जख्मों पर बैंडेज लगाता है और अब वो मिया के साथ में भी वही सब करेगा जो कि वो होप के साथ में करता आ रहा है। यहाँ पर होप किलर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उसे ऐसा लगता है कि किलर ने उसकी बेटी को बहुत ही ब्रुटली तरीके से मार दिया है, तो इसलिए वो किलर को चैलेंज करती है कि किलर जो कुछ भी करे वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरेगी। अब ऐसे ही 16 दिन बीत जाते हैं। मिया खुद को इन हालत में पाकर चिल्ला रही थी और किलर उसकी आवाज से इरिटेट हो रहा था, तो इसलिए वो मिया को मारने की कोशिश करता है। लेकिन होप किलर को प्रॉमिस करती है कि वो मिया को सबको समझा देगी और सिखा भी देगी, तो इसलिए किलर उसे न मारे। किलर भी होप की बातें मानकर मिया को तब जान से नहीं मारता है। फिर उसके जाने के बाद में होप मिया को समझाती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन मिया को ऐसे चिल्लाना बंद करना होगा तभी वो उसकी हेल्प कर पाएगी। कुछ देर के लिए मिया चुप हो जाती है, लेकिन वो फिर से डर के मारे चिल्लाने लगती है और अब वो चुप भी नहीं हो रही थी। वो दिन रात नॉन स्टॉप बस चिल्लाई जा रही थी। अगले दिन गुस्से में होप उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन मिया चुप नहीं होती है, तो इसलिए गुस्से में आकर किलर उसके मुंह में चाकू डालकर उसके जुबान को काट लेता है। फिर किलर मिया की जुबान को आग में डाल देता है, लेकिन वो मिया की कोई केयर नहीं करता है, बल्कि वो उल्टा उसे बर्तन साफ करने को कहता है। और ये सब देखकर होप अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। होप को किलर के साथ में अब 20 दिन हो चुके थे और उस दिन जब होप गार्डन में काम कर रही थी तो उसे वहां पर एक सुंदर सा फूल दिखाई देता है। किलर उस फूल को तोड़ने वाला था, लेकिन होप किलर को ऐसा करने नहीं देती है और इस बार किलर भी ऐसा नहीं करता है। अब धीरे धीरे किलर मिया से ज्यादा होप का ख्याल रखने लगा था और खाना भी वो होप को ही ज्यादा खिलाता था। फिर किलर मिया की भी लॉयल्टी चेक करने के लिए चाकू को ठीक उसी तरीके से उसके सामने रखता है और खुद को बचाने के लिए मिया उस चाकू को उठाने वाली थी, लेकिन होप को तो पहले से ही पता था कि ये सब किलर की बस एक चाल है, तो इसलिए होप मिया को चाकू उठाने से मना करती है। लेकिन फिर भी मिया चाकू तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किलर को वापस आता देखकर मिया चाकू से दूर बैठ जाती है। चाकू को उसी जगह पर देखकर किलर को ऐसा लगता है कि होप मिया को अच्छे से गुलाम बनने की ट्रेनिंग दे रही है, तो इसलिए किलर होप से बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर रात को हम देखते हैं कि मिया अपने सॉक्स में स्टोन को भर रही थी और होप के मना करने पर भी मिया नहीं रुकती है। किलर को चकमा देने के लिए मिया ने एक हथियार बनाया था। फिर किलर का ध्यान जब मिया से हटता है तो मिया उसी हथियार से किलर के सर पर वार करती है, जिससे कि किलर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर मिया किलर की जेब से चाबी निकालकर अपने लॉक को खोलती है और जाने से पहले वो चाबी होप को देकर जाती है ताकि होप भी वहां से जिंदा बचकर निकल सके। किलर जब होश में आता है तो गन को लेकर मिया का पीछा करता है और जल्दी ही वो मिया को ढूंढकर उसे शूट कर देता है, लेकिन मिया तब भी नहीं मरती है, तो इसलिए किलर उसके पास में जाकर उसे बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार डालता है। अब इस तरफ होप भी अपने लॉक को खोलकर वहां से भागती है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि किलर के जिंदा रहने तक वो वहां से नहीं भाग सकेगी, तो इसीलिए वो वापस कैंप आती है किलर को मारने के लिए। गोली की आवाज से वो जान गई थी कि मिया मर चुकी है और होप किलर के टेंट में अंदर जाती है जहां पर उसे अपनी बेटी का सॉफ्टवेयर मिलता है। वो सॉफ्टवेयर को और एक रॉड को अपने साथ में लेकर किलर को मारने के लिए बाहर निकलती है। तब तक किलर भी वहां पर आ चुका था जो कि मिया के खून से लथपथ था, जिसे देखकर होप और भी ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में होप किलर को उसी रॉड से पीट पीट कर तुरंत ही मार डालती है। किलर भी उससे नहीं लड़ पाता है, लेकिन मरने से पहले किलर होप से कहता है कि उसके मरने के बाद भी होप सेफ नहीं है, पर होप इस बात पर ध्यान नहीं देती है। फिर किलर को मारकर होप अपनी बेटी का सॉफ्टवेयर लेकर जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद में होप को एक छोटा सा केबिन दिखाई देता है। उस केबिन के अंदर देखने पर होप को अपनी बेटी जेनिफर दिखाई देती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी। अपनी बेटी को जिंदा देखकर होप बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जेनिफर को केबिन से बाहर निकालने के लिए होप दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किलर ने दरवाजे में एक ट्रैप फिट करके रखा हुआ है। जब होप दरवाजे को खुलती है तो ट्रैप ऑन हो जाता है और उसमें से दो लोहे की कीलें होप की आंखों में शूट होती है, जिससे कि होप की दोनों आंखें फूट जाती है। ये सब जेनिफर अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जिससे कि उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। मतलब कि किलर ने ये सही कहा था कि उसके मरने के बाद भी होप सेफ नहीं है। यहाँ पर अब होप की आंखें फूट चुकी थी और जेनिफर भी छोटी थी, तो इसका मतलब यह था कि अब वे दोनों कभी भी इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे और इसी के साथ में ये मूवी यह पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक साइको किलर के बारे में है जो कि लड़कियों को किडनैप करके जंगल में लाकर उन्हें अपने ट्रैप में फंसाता है। जो उसके ट्रैप से बच जाती है वो उन लड़कियों को अपना गुलाम बनाकर रखता है। ठीक इसी तरह उसने कई लड़कियों को मारा, लेकिन होप को उसका गुलाम बनना मंजूर नहीं था क्योंकि उसकी एक बेटी थी
उसने अपनी बेटी के लिए उस किलर से लड़ाई की और उस किलर को मारकर उसने अपनी बेटी को बचाया। लेकिन होप ने गलती कर दी, उसने किलर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी दोनों आंखें खो दी और इस तरह अब दोनों कभी भी इस जंगल से बचकर नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।